हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बहुत अच्छा बिजनेस है, अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं, बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। आपको यहां पर एक एक कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना तो इसके लिए आपको दुकान चाहिए, ना ही आपको रेस्टोरेंट खोलना, ना ही आपको स्टॉल खोलना है। बड़े आराम से अपने घर से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। सो वो बिजनेस है फ्रेंच फ्राइज को फ्रोजन स्टेज में कर फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज को बेचने का। सो फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज आप अपने घर से बना सकते हैं, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आज की इस वीडियो को अगर आपने शुरुआत से लेकर एंड तक देख लिया, आपको कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बड़े आराम के साथ में बिना एक्सपीरियंस के आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले। आपको कोई दुकान नहीं खरीदनी, आपको ना तो रेस्टोरेंट खोलना है, ना स्टॉल खोलना है, ना ही आपको यहाँ पर एक एक कस्टमर को ढूंढना है, ना ही आपके माइंड में ये टेंशन रहेगी कि क्या ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बड़ा गेम खेलोगे। आप बस घर पे फ्रेंच फ्राइज को बनाओगे और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप बल्क में बेचोगे और अच्छा पैसा कमाओगे। सो फ्रेंच फ्राइज को कैसे बनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, और फ्रोजन करने के बाद आपको कहाँ पर इनको बेचना है और किस दाम में आपकी ये बिकेगी, ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये एक पर्टिकुलर बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा रुपए नहीं चाहिए। बस डीप फ्रीज़र की कॉस्ट जो है वो हटाकर बता रहा हूँ, 10,000 से भी कम पैसे में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। सो सारी डिटेल्स को जानने के लिए फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, आज के टाइम में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे कैफेज, बहुत सारे स्टॉल्स फ्रोजन फूड को यूज़ करते हैं, क्योंकि कई जगहों पर क्या होता है कि शेफ़ को प्रॉपर चीज़ें नहीं आती बनाना। सो वहाँ पर वो फ्रोज़न मोमोज़ को यूज़ करते हैं, फ्रोज़न पराठा भी आजकल यूज़ होने लग गया है। काफ़ी रेस्टोरेंट में मैक्सिमम जो भी फूड यूज़ होता है वो फ्रोज़न फूड यूज़ होता है। सो अगर आप फ्रोज़न फूड के बिज़नेस में एंटर करते हैं, सो आप यहाँ पर बहुत सारे फ्रोज़न फूड्स को बना सकते हैं। आप फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, आप मोमोज बना सकते हैं, आप फ्रोजन पराठा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉनवेज की, तो आप चिकन नगेट्स बना सकते हैं फ्रोजन में, चिकन पैटीज बना सकते हैं, आलू पैटी बना सकते हैं, पनीर पैटी बना सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें फ्रोजन बना सकते हैं और बेच सकते हैं, बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए और आपको सही जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ पर बेचना है, आप अच्छा पैसा इससे कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेंच फ्राइज की, तो फ्रेंच फ्राइज दोस्तों आज की डेट में 100 रुपये से 120 रुपये किलो बिकती है फ्रोजन। आप जितनी बड़े ब्रांड की लेंगे उतनी महंगी आपको मिलेगी, बट मैं एवरेज ब्रांड की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोकल वेंडर्स हैं जिन्होंने फ्रेंच फ्राइज को बनाना और फ्रोजन स्टेज में कर बेचने का काम शुरू किया है। 100 रुपये से लेकर 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकती है और अच्छा खासा इसमें मुनाफा होता है। सो अगर आप भी अपना कोई फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बट आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, सो आप एटलीस्ट फूड बिजनेस में एंटर करिए। मैं आपको ये हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने के सपने देखने के चक्कर में हो सकता है आप बिजनेस ना कर पाएं, और हो सकता है आप अपने बिजनेस करने की जर्नी को बहुत सालों बाद शुरू करें। सो उससे बेटर है आप किसी भी फूड बिजनेस को पकड़ो जो कम में शुरू होता हो, उसमें एंटर करो, अपना काम करना शुरू करो। आपको एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, आप थोड़ा गिरोगे, 10 बार आपको परेशानी आएंगी, और धीरे धीरे सीखते सीखते आप परफेक्ट हो जाओगे और उसके बाद आपका काम बहुत तेज़ी से चलेगा। सो कभी भी निराश मत हो, हार मत मानो। अगर आप हार नहीं मानते हो, आप एक दिन जीतोगे जरूर। सो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अब फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज कैसे बनती है उस पर बात करें, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। आप साइड में यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिए, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का मैं प्राइस आपको दिखा रहा हूँ। कहीं पर 120 रुपये का प्राइस है पर केजी, और कहीं पर 2.5 किलो के पैकेट का प्राइस 310, 320, 320। इस तरीके से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बिकती है, और इसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ा सा सॉल्ट डालोगे, विनेगर डालोगे, वाइट विनेगर। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, फिर मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना है, ताकि आप आसानी से सारी बातों को समझ पाएं। देखो, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। आपको बस बड़ी मंडी से आलू खरीदने, आपको बड़े आलू खरीदने, आलू खरीदने के बाद आपको लाने, उनको धोना है अच्छे से ताकि उनकी मिट्टी निकल जाए। आप कम बनाओ, कम बेचो, बट क्वालिटी बेचो। जिसके पास भी आपके फ्रेंच फ्राइज का सैंपल जाएगा, मैं तरीका आपको बताऊंगा आपको कैसे कस्टमर मिलेंगे, बट अगर आपके पास, जिसके पास भी आप सैंपल दे रहे हो, वो आपको बल्क में ऑर्डर करे, इस बात की एश्योरिटी आप कर लो पहले ही कि आपको वो क्वालिटी बनानी है। आप ज़्यादा बनाने के चक्कर में, ज़्यादा बेचने के चक्कर में आपके फ्रेंच फ्राइज में मट्टी आ रही है, आपके फ्रेंच फ्राइज का कलर काला हो रहा है, आपके फ्रेंच फ्राइज में अलग ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़े हुए हैं, तो मज़ा नहीं आएगा। आप एक नंबर की क्वालिटी में काम करो, आपका बिजनेस, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है चलने में, लेकिन जिस दिन चलना शुरू हो जाएगा आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप
टेम्परेरी सक्सेस चाहते हैं, टेम्परेरी पैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस एक बार में आपके पास पैसा आ जाए, तो कुछ भी अबाड़ कबाड़ बेच दो, लोग एक बार खरीदेंगे लेकिन बार बार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सस्ता एक बार लोग जरूर ट्राई करते हैं लेकिन जब वो पसंद नहीं आता फिर लोग महंगे की तरफ ही जाते हैं। सो आप अच्छी क्वालिटी में काम करो। पहले आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूं ताकि आप इजीली समझ पाए क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बड़े आलू खरीद लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से वॉश करना, बिल्कुल भी मिट्टी उसमें नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आपको उसको छील लेना है अच्छे तरीके से, कोई भी ब्लैक स्पॉट ब्लैक डॉट उसमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको आलू कट करना होता है। अब आलू कट करने के लिए आप चाकू से भी कट कर सकते हो, बट मैं आपको कहूंगा कि चाकू से आपको कट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर आपकी जो फ्रेंच फ्राइज का सेम साइज नहीं आएगा, हर फ्रेंच फ्राइज का अलग अलग साइज आएगा और आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसलिए टाइम कम लगे आप इस तरीके की मशीन यूज कर सकते हैं जिससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 मिनट से भी कम समय में आप 5 किलो से भी ज्यादा आलू की फ्रेंच फ्राइज को कट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। ये मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा कितने की मिलेगी कहां से मिलेगी। फ्रेंच फ्राइज कट होने के बाद इनको ब्लांच करना होता है। अब ब्लांच प्रोसेस करने के लिए आपको एक भगोने में पानी लेना है और पानी इतना लेना है जिसमें आपकी फ्रेंच फ्राइज पूरी अच्छे से डूब जाए। उसमें आपको 1 चम्मच नमक डाल के व्हाइट विनेगर डालना है, थोड़ा सा आप 60 से 70 ml के आसपास विनेगर डाल दो और 1 आपको चम्मच नमक डालना है और 1 चम्मच आपको चीनी डालनी है। बस आपका ये ब्लांच करने के लिए पानी रेडी है। जैसे ये बॉईल होता है आपको इसमें अपनी फ्रेंच फ्राइज को डाल देना है और फ्रेंच फ्राइज को डालने के बाद आपको बस थोड़ा सा हिलाना है। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, फ्रेंच फ्राइज ज्यादा नहीं गलनी चाहिए। फ्रेंच फ्राइज सिर्फ 2 से 3 मिनट आपको बॉइल करनी है और उसके बाद आपको इसको छान लेना है और छानने के बाद तुरंत इसमें आपको आइस कोल्ड वाटर डालना है। अगर आपका बर्फ है तो बिल्कुल ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि आलू बहुत जल्दी हीट ऑब्जर्व कर लेता है और इसके अंदर हीट रहने की वजह से ये गल जाता है बाद में। सो इसलिए इसको अच्छे से आइस कोल्ड वाटर डालने के बाद इसको अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो आपकी फ्रेंच फ्राइज जब फ्रोजन स्टेज में आएगी उसमें बर्फ जम जाएगी और ये खराब भी जल्दी होगी। तो इसलिए अच्छे से सूखने के बाद आपको इसको एक भगोने में डाल के उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। अब ऑयल इसलिए डालना है ताकि आपकी फ्रेंच फ्राइज आप 2 महीने बाद भी निकालें तो अलग अलग रहे। उसके बाद आपको ऐसे जिपर पैकेट्स में इनको डाल लेना और आपकी ये फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुकी है फ्रोजन करने के लिए। इसको फिर आपको डीप फ्रीजर में डाल देना है -18 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम में और आपकी फ्रेंच फ्राइज 24 घंटे के अंदर रेडी हो जाएगी फ्रोजन। आपके इस तरीके से पैकेट बनेंगे, आप इनका सैंपल दे दो, जहां से बड़े बल्क ऑर्डर आए आप उनके लिए बड़े मात्रा में बना सकते हो। सेकंड प्रोसेस ये है कि आपको ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप आरारोट या फिर आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं फ्रेंच फ्राइज, और मैं यही मेथड प्रीफर करता हूँ कि आप कॉर्नफ्लोर डालें। ये फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट भी एनहांस करते हैं, क्रिस्पीनेस भी बनाए रखते हैं। और बस कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको बस जिपर पैकेट्स में इसको डालना है पॉलीबैग्स में और आप इनको फ्रोजन कर सकते हैं, या फिर अगर आप जिपर पैकेट यूज नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पॉलीबैग ले लो और उनको सीलिंग मशीन से सील कर सकते हो। तो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फूड बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आप अगर फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस आप करना चाहते हो फ्रोजन, सो आपको सिर्फ 4 चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए भैया डीप फ्रीजर, इसका प्राइस मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक है क्योंकि ये आप रेंट पे भी ले सकते हो तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाहिए, एक तो पॉलीबैग्स चाहिए फ्रेंच फ्राइज को पैक करने के लिए, वो अलग अलग प्राइस में आते हैं, 120 रुपये किलो से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्रेंच फ्राइज कटर चाहिए होगा फ्रेंच फ्राइज आलू को कट करने के लिए, वो भी आपको 1500-2000 के बीच में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वेट मशीन चाहिए होगी, आपको जो पैकेट बनाने हैं वो 1 किलो 2.5 किलो और 5 किलो के पैकेट बनाने हैं, और मैं आपको कहूंगा कि आप आधे किलो का पैकेट जरूर बनाओ, जिपर पैकेट ले लो लॉक करने वाला, उसमें आधे आधे किलो के पैकेट बनाओ और वो आपको सैंपल देने हैं कुछ जगहों पर, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। वेट मशीन के अलावा यहां पर आपको लेना पड़ेगा एक सीलिंग मशीन, अगर आप वैसा जिपर पैकेट नहीं ले रहे सो आप सिंपल पॉलीबैग्स ले लो व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट, और उसमें आप अपने 1 किलो 2.5 किलो और 5 किलो के फ्रेंच फ्राइज के पैकेट को बनाकर सीलिंग मशीन से सील कर फ्रोजन कर सकते हो। बस ये 4 चीजें चाहिए होती हैं, अगर आप इन सबका भी प्राइस कैलकुलेट करोगे तो वो 7 से 8 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, बस इतने में आपका काम शुरू हो जाएगा। और छोटी मोटी जो चीज़ें, आपको पतीला चाहिए होगा, आपको गैस चूल्हा, वो सब तो आपके घर में ही होता है, आपको आलू लाने होंगे, छीलने वाला पिलर चाहिए होगा पोटैटो पिलर, और आपका काम चालू हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जब आपने फ्रेंच फ्राइज बना ली, फ्रेंच फ्राइज बनाने के बाद आपने पॉली पैक जो आपके पॉलीथिन वाले बैग हैं वो आधे आधे किलो के पैकेट्स में आधे आधे किलो फ्रेंच फ्राइज बना लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपकी सिटी के जितने रेस्टोरेंट हैं आपको सारे रेस्टोरेंट में देनी है। इसके अलावा आपके यहाँ पर कोई कॉलेज है यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अंदर कैंटीन चलती है, क्योंकि बच्चे फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद करते हैं, सो उन कैंटीन में आपको जाना है, उन कॉलेजेस के अंदर जाना है कैफेटेरियाज में, और वहाँ पर उनसे बात करनी है कि भैया क्या फ्रेंच फ्राइज रखते हो, अगर वो रखते हैं तो उनसे पूछना क्या रेट आपको पड़ता है, मैं आपको इससे सस्ते में दूंगा, आप मेरी फ्रेंच फ्राइज का सैंपल ट्राई कर लो।
फ्री में सैंपल दे आओ। इसके अलावा आपके सिटी में जितने छोटे छोटे कार्ट लगते हैं, स्टॉल लगते हैं, जहां पर वो फ्रेंच फ्राइज रखते हैं, आप उनको अपना सैंपल दे आओ। साथ ही में दोस्तों, आपकी सिटी में जो भी छोटे छोटे सुपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे छोटे सुपर मार्केट्स में भी आप रखवा सकते हो अपने फ्रेंच फ्राइज को। अब फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हैं, छोटे सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ पर फ्रीजर्स लगे होते हैं और वहाँ पर मकेन की, अमूल की फ्रेंच फ्राइज रखी होती हैं। सो वहाँ पर आप अपनी फ्रेंच फ्राइज भी रखवा सकते हो कम प्राइस में। आपको बस पैकिंग बैग के ऊपर एक लेबल चिपकाना होगा। लेबल में आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए, आपके FSSAI लाइसेंस की डिटेल्स होनी चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइसेंसिंग की, सो आपको FSSAI लाइसेंस लेना, जो कि हर फूड बिजनेस में मस्ट होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस। इसके अलावा आप ट्रेड रजिस्ट्रेशन करवा लो, इसके अलावा आप अपना लोगो रजिस्ट्रेशन करवा लो, और आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया, अपने ब्रांड नेम ले लिया, और अपने ब्रांड की डिटेल अपने जो लेबल लगा रहे हो आप उसमें लगाकर आप बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में भी रख सकते हो। सो इसको करने के बाद आपको डेली बेसिस पे बढ़ते हुए कस्टमर, बढ़ते हुए ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे और आप अच्छा बेनिफिट और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कमा लेंगे। इस तरीके से आप छोटी सी एक बात बताता हूँ, आपके सिटी में ही 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट और कैफेज होंगे जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, जिनको आप ढूंढ ढूंढ कर अपना सैंपल दे सकते हो। अब आपने मान लो, मैं छोटा से छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आपने 30 से 50 रेस्टोरेंट में, कार्ट में, कैंटीन्स में, कॉलेज की आपने सैंपल दे दिया, आपको 20 का भी ऑर्डर आ जाएगा ना, आपका काम एक शुरुआत हो जाएगी चलना। फिर आप धीरे धीरे, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप अकेले शुरू कर सकते हो, बाद में जब आप फ्रोजन मोमोज का काम करते हो या फ्रोजन पैटीज का काम करते हो, टिक्की बनाते हो आप आलू की, पनीर की या मिक्स वेजीज की, सो फिर आप स्टाफ रखो और फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखो जहां पर आपकी कंप्लीट प्रोसेस में सारी चीज़ें बन रही हैं और आप फ्रोजन सारी चीज़ें बेच रहे हो। सो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको पहले से बड़ी कंपनी को बीट करना है या बड़ी कंपनीज को हराना है या उनसे कंपीट करना है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना, आपको बस अपना ब्रांड बनाना है, आपको बस अपना नाम बनाना है, बस इस पे फोकस करो, अपना काम अच्छे से करते जाओ, बाकी लोग अपने आप पीछे होते जाएंगे, उनकी परवाह मत करो, आप क्वालिटी सर्व करते जाओ। बस सिंपल सी बात यह है कि आप इस काम को बड़े आसानी से शुरू कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप खुद से करो, और यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स आपका साथ दे सकते हैं। आप घर पर कर रहे हो, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को छोटे छोटे काम बता दिए, किसी ने आलू छील दिया, किसी ने कट कर दिया, और फिर आपने उसको बनाकर फ्रोजन स्टेज में करके जमाया, 24 घंटे में आपका फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज रेडी हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये फ्रेंच फ्राइज आप बनाओगे इसको थॉ नहीं करना पड़ता है। अब थॉइंग प्रोसेस एक अलग चीज़ होती है, जब आप किसी भी फ्रोजन फूड को बाहर निकालते हो सो उसको रूम टेम्परेचर में आने के लिए आपको बाहर रखना होता है, 3 से 4 घंटे का थॉइंग प्रोसेस होता है फ्रोजन फूड के लिए। बट यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को थॉ नहीं करना, इसको डायरेक्टली फ्रीजर से निकाल के आपका कस्टमर हल्का सा हिलाएगा पैकेट को, बास्केट में डालेगा और सीधा फ्राइंग वैट में डाल देगा, और वो 2 से 3 मिनट में आपकी फ्रेंच फ्राइज बनकर रेडी हो जाएगी। सो यही होता है। अगर मैं कुकिंग टेम्परेचर की और टाइम की बात करूँ, मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 10 होता है, और ये 3 मिनट तक कुक करना, आपको 3 मिनट में आपकी फ्रेंच फ्राइज बन जाएगी। सो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको ये 4 चीज़ें खरीदनी है, फ्रेंच फ्राइज कटर मशीन, आपको वेट मशीन खरीदनी है, पॉलीबैग्स खरीदनी है, और सेलिंग मशीन खरीदनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं खरीदना। अपने काम को शुरू करो, ग्राहक ढूंढो, और सैंपल्स देने के बाद ऑर्डर कलेक्ट करो, जैसे आपके ऑर्डर आने लगे आप बनाते जाओ और उनको बेचते जाओ। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके कमेंट आए तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोजन मोमोज का काम आप कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे बनाना है, कैसे उनको फ्रोजन करना है, और उसके बाद वो कैसे सेल करना है। इसके अलावा अगर आपके और ज़्यादा कमेंट्स आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गोलगप्पे की होलसेलिंग आप कैसे शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो रोड के किनारे खड़े होने में शर्माते हैं, उनको लगता है कि यार मैं कैसे खड़ा हूँगा। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको डायरेक्ट कस्टमर फेस नहीं करना है, सो आपकी ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व होती है। आप घर से बनाओ, रेस्टोरेंट्स में विजिट करो, अपने काम को चालू करो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।